जब लोग आपको कॉपी करने लगे तब समझ जाइए कि आप सफल हो चुके हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह पानी की बोतल कंपनी बिस्लेरी सफल हो चुकी है। आप अगर बिस्लेरी की बोतल खरीदने जा रहे हैं तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती है, क्योंकि आपके हाथ में पड़ने वाली बोतल बिस्लेरी की जगह बेलसेरी, बिलसेरी, बिस्लेई या बिस्लार भी हो सकती है। यही वजह है कि बिस्लेरी ने अपनी टैगलाइन कुछ इस तरह रखी। वाटर बोतल इंडस्ट्री में 60% की हिस्सेदारी रखने वाला पानी ब्रांड आज देश भर में लोकप्रिय है। लोग दुकान पर जाकर ये नहीं कहते कि पानी की बोतल देना, लोग बिस्लेरी ही मांगते हैं। इतने चर्चित और लोकप्रिय ब्रांड की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। तो चलिए जानते हैं कि भारत जैसे देश में पानी खरीद कर पीने की शुरुआत आखिर हुई कैसे। नमस्कार, समझदार जानता है हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं, यह वाक्य हम सभी ने सुन ही रखा है। और यह वाक्य पढ़कर आपके जहन में आ ही गया होगा कि यह तो सबसे भरोसेमंद और भारत के नंबर वन मिनरल वाटर का ब्रांड बिस्लेरी के एक विज्ञापन का है। बिस्लेरी की स्थापना इटली के सिग्नोर फेलिस बिस्लेरी ने की थी। सन 1965 में इटली के नोसेरा उम्रा में उनके नाम से जन्मा ब्रांडेड पानी बेचने का फार्मूला भी हमारे देश में सर्वप्रथम बिस्लेरी ही लाए थे। सिग्नोर फेलिस बिस्लेरी एक व्यापारी, इन्वेस्टर और एक केमिस्ट्री कंपनी थी, और बिस्लेरी के मालिक थे डॉक्टर रोजीज। शुरुआत में यह एक मलेरिया के इलाज के लिए दवा बनाने वाली कंपनी थी। उसी दवा को बेचने के लिए इस कंपनी की मुंबई में भी एक शाखा थी। आपको बता दें कि भारत के ही खुसरू संतुक के पिता बिस्लेरी कंपनी के भारत के एक लीगल एडवाइजर होने के साथ साथ बिस्लेरी परिवार के डॉक्टर रोजीज के काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। भारत में हो रही व्यापार वृद्धि को देखते हुए बिस्लेरी के मालिक डॉक्टर रोजीज कुछ अलग करना चाहते थे। उस समय मुंबई में मिलने वाले पानी की क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी। तब डॉक्टर रोजीज को लगा कि क्यों ना अपना बिस्लेरी कॉन्सेप्ट वाला बिजनेस भारत में शुरू कर दिया जाए, यह बिजनेस भारत में ही काफ़ी सफल हो सकता है। और डॉक्टर रोजीज ने खुसरू संतुक के साथ 1965 में मुंबई के ठाणे में बिस्लेरी का पहला वाटर प्लांट स्थापित किया। तब लोगों ने इनको पागल समझा कि भला पानी को कौन खरीद कर पिएगा। बिस्लेरी ने शुरुआत में मार्केट में दो प्रोडक्ट को उतारा, पहला था बिस्लेरी वाटर और दूसरा था बिस्लेरी सोडा। बिस्लेरी के दोनों प्रोडक्ट्स पहले बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में मिलते थे, बाद में धीरे धीरे मार्केट में उतर गई। शुरुआत में बिस्लेरी पानी से ज़्यादा सोडे के लिए जाना जाने लगा, और तब उन्हें बिस्लेरी वाटर बेचने में ज़्यादा सफलता हासिल नहीं हो पाई। इस वजह से खुसरू संतुक अपने इस ब्रांड को आगे चलाना नहीं चाहते थे। बिस्लेरी वाटर को मिली असफलता के बाद खुसरू संतुक ने अपनी इस कंपनी को बेचने को तैयार हो गए। यह खबर पार्ले कंपनी के चौहान ब्रदर को मिली, और रमेश चौहान ने 1969 में बिस्लेरी इंडिया लिमिटेड के रूप में खरीदा। आपको बता दें कि पार्ले ने बिस्लेरी इंडिया लिमिटेड को 4 लाख में खरीदा था। बिस्लेरी को खरीदने के पीछे रमेश चौहान का मकसद था कि इस ब्रांड को वो सोडा ब्रांड में तब्दील करेंगे। बता दें कि तब बिस्लेरी के देश भर में मात्र 5 स्टोर थे, 4 मुंबई में और 1 कोलकाता में। रमेश चौहान ने बिस्लेरी के बोतल बंद पानी वाले दो ब्रांड बबली और स्टील के साथ साथ बिस्लेरी सोडा भी लॉन्च किया। पार्ले समूह ने कई सालों तक सोडा और पानी दोनों बिस्लेरी ब्रांड के नाम से ही बेचा। आपको बता दें कि उस वक्त सॉफ्ट ड्रिंक कांच की बोतल में बिकते थे, जिन्हें पीने के बाद वापस करना होता था। इस बात से आपकी पुरानी यादें ताजे हो गई होगी। कुछ समय बाद पार्ले ने एक रिसर्च की और पाया कि भारत के सार्वजनिक स्थल, रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर पानी की शुद्धता नहीं होने के कारण लोग प्लेन सोडा खरीद कर पीते हैं। तब पार्ले कंपनी को लगा कि क्यों ना इन जगह पर स्वच्छ पानी उपलब्ध किया जाए, जिससे लोगों की पानी की समस्या भी खत्म होगी और बिस्लेरी वाटर का बिजनेस भी आगे बढ़ सकता है। उस समय पार्ले ने डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या बढ़ाई और उन जगह पर बिस्लेरी स्वच्छ जल की पूर्ति की, और समय के साथ ही ब्रांड का प्रमोशन और ब्रांड की पैकिंग में नए बदलाव के साथ मार्केट में बिस्लेरी वाटर काफ़ी मजबूत होता गया। 1985 के दौरान PET यानी प्लास्टिक मटेरियल ने इस उद्योग को बदल डाला। यह हल्का, मजबूत और रिसाइकल किया जा सकने वाला ऐसा पैकेजिंग मटेरियल था जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इससे पैकेजिंग की समस्या हल हुई और दाम भी कम हुए। वहीं अंत में PET कंटेनरों में उन्नत किया गया। बिस्लेरी की सफलता से प्रेरित होकर साल 2000 में बेली, एक्वाफिना और किनले जैसी कंपनियों ने भी शुद्ध पानी के दावे के साथ इस बाजार में कूदे।
और बिस्लेरी के एकाधिकार से सेंध लगाई। दूसरे ब्रांडों से मिल रही टक्कर को देखते हुए बिस्लेरी ने विभिन्न साइज के आकर्षक पैकेज बाजार में पेश किए और अपने इस ब्रांड के विज्ञापन में भी बदलाव किया। तो बिस्लेरी दियो, ये ले थारी बिस्लेरी। भाया ऊंट है गधे नहीं। अरे बिस्लेरी निकाल, बिस्लेरी। समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं, इसलिए सिर्फ बिस्लेरी। इससे बिस्लेरी और मजबूत बनती गई। 2003 में बिस्लेरी ने यूरोप में भी अपने की घोषणा की और इन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि बिस्लेरी एक अलग पानी है और बिस्लेरी में ये और भी ज्यादा साफ सफाई यानी कि स्वच्छ पानी देने लगे। लेकिन फिर भी बिस्लेरी आम आदमी तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इंडिया में पानी फ्री मिलता है तो आम आदमी इसे नहीं खरीदता था। बिस्लेरी मात्र बड़ी होटलों, रेस्टोरेंट और रेलवे स्टेशन और सड़क किनारे की दुकानों पर ही सीमित था। फिर बिस्लेरी ने 5 रुपये वाली बोतल 500 ml में निकाली और इससे इनकी सेल बढ़ गई और आम आदमी भी इसे खरीदने लगा। और फिर विज्ञापन के माध्यम से बिस्लेरी चल पड़ी और बिस्लेरी ने ज़्यादा ध्यान साफ पानी पर दिया, जिससे उनकी सेल में बहुत इजाफा हुआ। और आज भी हम यह मानते हैं कि बिस्लेरी यानी कि साफ पानी। फिर इन्होंने देखा कि घरों में भी साफ पानी की ज़रूरत होती है, कई लोग साफ पानी को टैंकर में मंगवाते हैं। और फिर इन्होंने 2 बड़े बोतल लॉन्च किए, 12 लीटर में और 20 लीटर में। आज बिस्लेरी भारत में बोतल बंद पेयजल में 60% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। आज 135 प्लांट के दम पर 2 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा अधिक पानी रोज बेचने वाली बिस्लेरी देश दुनिया में छा गई है। आज बिस्लेरी हर महीने करीब 18 करोड़ से ज़्यादा बोतल पूरे भारत में बेच देता है। 2021 की इनकी सेल की बात करें तो लगभग 1500 करोड़ का सेलिंग किया था। और फिर अलग अलग ब्रांड ने बिस्लेरी को कॉपी करना शुरू कर दिया, स्पेलिंग चेंज कर करके। फिर बिस्लेरी ने एक एड चलाया जो काफ़ी फेमस हुआ कि हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं होती। दोस्तों, बिस्लेरी का इतना अच्छा सफ़र इसलिए रहा क्योंकि बिस्लेरी ने अपनी क्वालिटी यानी कि स्वच्छ और साफ पानी पर ज़्यादा ध्यान दिया। आज भी बिस्लेरी का नाम चलता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो, कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।